हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त सुमित पाल आपका फिर से स्वागत करता है मेरे इस नॉलेज से भरे चैनल में, जिसका नाम है एसएनएस मार्केट ज्ञान। इस एसएनएस मार्केट ज्ञान के चैनल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो जरूरी न्यूज और नॉलेज जिसे पाकर आप स्टॉक मार्केट में एक सफल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज की एंड मार्केट समरी। एंड मार्केट समरी में हम डिस्कस करेंगे आज कौन से स्टॉक्स थे जो ऊपर नीचे हुए, जो आज टॉप गेनर में आए हैं, टॉप लूजर में आए हैं, आज का एफआई डेटास क्या रहा है, आज के कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो आज काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, आज का मार्केट इंडेक्स कैसा रहा है। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के आगे दूंगा। उससे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज 24 जून है, 2021 हो रहा है, और जो भी डेटा आपको इस वीडियो में दिखेगा वो आज का 5 o'clock का डेटा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इंडाइसेस के बारे में। मार्केट इंडाइसेस में हम आपको बताते हैं कि इसमें दो तरह के इंडाइसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंडियन इंडाइसेस आ रहे हैं। इंडियन इंडाइसेस के अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स। तो इसमें आप देखेंगे आज मार्केट में बहुत ही अच्छी तेजी रही थी, मार्केट बहुत ही अच्छा क्लोज हुआ है, आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और इसके अंदर सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 50 माइनस में रहे हैं, बाकी तीनों निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स काफ़ी अच्छे पॉजिटिव में मूवमेंट में बंद हुए हैं। तो अब आप देखते हैं हम ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में। ग्लोबल इंडेक्सेस में आप देख सकते हैं नैसडेक जैसे कि अभी मार्केट बंद है, एसजेक्स निफ्टी भी मार्केट बंद है और निक्के भी मार्केट बंद है, ये तीनों ऑलरेडी पॉजिटिव में है। इसके अलावा अभी यूरोपियन मार्केट चल रही है, एफटीएससी, कैक और डेक्स, ये भी पॉजिटिव में ही चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूजर के बारे में। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे टॉप गेनर में आप देखेंगे इंफोसिस, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेकएम, एलटी, ये सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि टॉप गेनर में। अगर हम टॉप लूजर में देखते हैं तो टॉप लूजर में सबसे टॉप पे इस समय रिलायंस चल रहा है, आईओसी चल रहा है, कोल इंडिया चल रहा है, श्री केमिकल चल रहा है, भारतीय एयरटेल चल रहा है। रिलायंस का जो रिजल्ट है वो परसों आने वाला है, हो सकता है इस वजह से ज़्यादा मूवमेंट कर रहा हो, इसके ऊपर अभी हमने रिसर्च नहीं करा है, लेकिन ये काफ़ी नेगेटिव था आज, और आज लूजिंग में नेगेटिव में सबसे ऊपर रहा है स्टॉक। इसके बाद हम आज के एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। ये स्लाइड मैंने आज इसमें ऐड करी है ताकि आप लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इसमें आप देखेंगे ये सिर्फ एनएससी निफ्टी 50 का है, इसके अंदर आप देख सकते हैं एडवांस 30 थे, डिक्लाइन 90 थे और एक वन अनचेंज था। तो अगर हम एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो देखते हैं तो 60% रहा है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी एमसेक्स के बारे में। आप देख सकते हैं सारी मार्केट माइनस में चल रही है, जैसा कि भी आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस है, सभी मार्केट माइनस में चल रही है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सोच समझ के इसमें ट्रेडिंग करिए। अब आप मेरी वीडियो में पिवट रेशियो देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट इसमें बताया गया है, जिसके बेसिस पे कल अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप इसके अंदर R1 R2 दिया है, आप टारगेट लगा सकते हो, S1 S2 दिया है जहाँ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे जिसपे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस टारगेट होते हैं। पिवट रेशियो के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कल ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं कल जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है। प्लस अब आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं कल जिनके रिजल्ट आएंगे, ये ऑलमोस्ट 60+ स्टॉक्स हैं। इनमें से किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल सोच समझ के ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है रिजल्ट के कारण। इसके अंदर आप देख सकते हैं ITL है, IOL है, ICB है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके कल रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट के बाद अब हम बात करें FI डेटा और DI डेटा के बारे में। FI डेटा, DI डेटा जो कि अभी NSE की वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए आपको मेरे कल का मॉर्निंग सेशन देखना होगा, जिसके अंदर मैं प्री मार्केट समरी बताऊंगा, उसके अंदर मैं FI डेटा और DI डेटा मेंशन करूंगा। तो FI डेटा, DI डेटा के बाद अब हम बढ़ते हैं स्टॉक इन न्यूज़ की तरफ। स्टॉक इन न्यूज़ में आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑर्चिड फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहा है, और इनमें आज न्यूज़ में होने के कारण इनमें मूवमेंट भी बहुत तेज आई है। न्यूरेका में तो आज 5% का अपर सर्किट भी लगा है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं और भी बहुत सारे स्टॉक है जो आज न्यूज़ में रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक्स टॉप में न्यूज़ में थे। तो स्टॉक इन न्यूज़ के बाद अब हम बढ़ते हैं निफ्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी के IT सेक्टर ने, जिसने 2% का अबव किया है आज। बैंक और फार्मा ये सारे थोड़े से ड्रैग हुए हैं। निफ्टी आज क्लोज हुआ है 15,790 के अराउंड, जिसमें 103 पॉइंट पॉजिटिव रहे हैं। सेंसेक्स भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट किया था, जिसमें भी आज 400 पॉइंट के अराउंड ऊपर गया है, और ये 52,699 मतलब 52,699 पे ये क्लोज रहा है। तो ये था आज का निफ्टी का, सेंसेक्स का मूवमेंट, और आज ऐसे मूवमेंट किया है बहुत ही पॉजिटिव रहा है, तो आज ट्रेडर्स काफ़ी हैप्पी रहे होंगे।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आज मार्केट में इतना मूवमेंट क्यों रहा था। दूसरा, ये सारा जो डेटा है इसके बेसिस पे आप कल भी ट्रेडिंग कर सकते हो और कल आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो मैं आपसे चाहूंगा आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे आप दबा दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं बनाता रहूं और आपके साथ नोटिफिकेशन के थ्रू भेजता रहूं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो ट्रेडिंग।